Hello everyone, so this is the part 2 of the story of the village Palampur. So, in this module, we will discuss about the production and green revolution. In this, city, in this village, Palampur, there are more than 450 families, and 75% of the families are dependent on farming for their livelihood. Okay, so everybody wants to earn money, right? Har kisi ko ameer अब देखो अंबानी इतना अमीर हो रखा है लेकिन येट ही इज़ नॉट स्टॉपिंग हिज एक्टिविटीज़ हिज़ बिजनेस पता नहीं कितना अमीर होना है चलो एनी वेज एवरीबडी वॉन्ट्स टू अर्न मनी सो टू अर्न मैक्सिमम मनी वन हैज़ टू इंक्रीज द प्रोडक्शन ज़्यादा पैसा कमाना है तो प्रोडक्शन भी इंक्रीज करनी होगी सो देर आर डिफरेंट वेज ऑफ इंक्रीजिंग द प्रोडक्शन इफ़ आई आस्क यू दैट हाउ द प्रोडक्शन कैन बी इंक्रीज तो आप में से बहुत ज़्यादा लोग यही सोचेंगे कि ज़्यादा लैंड पे अगर कल्टिवेट करेंगे तो प्रोडक्शन इंक्रीज़ हो जाएगी देखो ये नहीं पॉसिबल बिकॉज लैंड इज़ अ फिक्सड फैक्टर लैंड फिक्स्ड फैक्टर है और हम लैंड को सिर्फ कल्टिवेशन फार्मिंग के लिए नहीं यूज़ करते इनस्टेड वी यूज लैंड फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर रोडवेज डैम्स ब्रिजेज इंडस्ट्रीज सो दीज काइंड ऑफ थिंग्स ऑल्सो तो हमारे पास जो लैंड फॉर द कल्टिवेशन जो अवेलेबल है दैट इज क्वाइट लेस तो लैंड हमारे पास फिक्स्ड फैक्टर है उसी लैंड को फुली यूटिलाइज करके हमें प्रोडक्शन इंक्रीज करनी होगी सो देर आर थ्री वेज टू इनक्रीज दील्ड और द आउटपुट दिस काइंड ऑफ क्वेश्चन यूजली कमन द एग्जामिनेशन दट वट आर द डिफरेंट वेज टू

फॉर एग्जाम्पल रेनी सीजन में ज्वार बाजरा प्रोड्यूस कर लिया अक्टूबर मंथ में पोटैटोज प्रोड्यूस कर लिए विंटर सीजन में व्हीट प्रोड्यूस कर ली तो ये क्या है मल्टीपल क्रॉपिंग यू कैन गेट मोर क्लैरिफिकेशन विद दिस पिक्चर मल्टीपल क्रॉपिंग लाइक मेज सोयाबीन ओट दीज काइंड ऑफ थिंग्स आर बींग प्रोड्यूस्ड मोर देन वन टाइप ऑफ क्रॉप्स आर बींग प्रोड्यूस्ड इन अर इन द सेम फील्ड सो दैट इज मल्टीपल क्रॉपिंग ओके नेक्स्ट कम्स use of modern methods of production modern methods of production means for the production very first thing we require land that we already have okay like land we are going to fully utilize now what we require is seeds pehle kya we were using the traditional seeds traditional seeds ki jo output thi that was quite less so in the 1960s there was green revolution 1960s में ग्रीन रेवोल्यूशन की वजह से वी हैव गॉट एच वाई वी सीड्स एच वाई वी सीड्स मीन्स हाई यीड्स सो इन सीड्स की स्पेशलिटी क्या है दैट दीज आर लाइक इनसे 2.5 पॉइंट फाइव टाइम्स ढाई गुना ज़्यादा प्रोडक्शन होती है ज्यादा आउटपुट मिलती है ओके सो दिस यू आर क्लियर विद नेक्स्ट विल गो विद द ग्रीन रेवोल्यूशन देखो पहले क्या था काउडंग यूज करते थे

वी हैव ट्रैक्टर्स थ्रेशर्स परेंट मीन्स ऑफ इरीगेशन ट्यूब वेल्स एक्सेट्रा सो दीज काइंड ऑफ थिंगस वी हैव स्टार्टड यूजिंग इनसे क्या है प्रोडक्शन में ज़्यादा हेल्प मिलती है ओके एज यू कैन सी इन द पिक्चर सो नाउ कम्स वट आर द ड्राबैक्स ऑफ एच वाई वी सीड्स एच वाई वी सीड्स की कुछ ना कुछ ड्रॉबैक्स हैं वो क्या हैं बेशक ये ज़्यादा प्रोडक्टिव हैं टू पॉइंट फाइव टाइम्स आउटपुट ज़्यादा देते हैं लेकिन एच वाई वी सीड्स को लाइक like, पानी ज़्यादा चाहिए होता है फर्टिलाइजर्स ज़्यादा यूज़ करने पड़ेंगे अगर हम बार बार फर्टिलाइजर्स केमिकल्स यूज़ करेंगे तो उससे क्या होगा सॉयल फर्टिलिटी लो हो जाएगी सो देर विल बी रिडक्शन इन द सॉइल फर्टिलिटी फर्टिलिटी लो होने की वजह से सॉइल फर्टिलिटी अगर कम हो जाएगी तो नेक्स्ट टाइम अगेन वी हैव टू यूज़ मोर फर्टिलाइजर्स ओके सो दिस विल इंक्रीज द कॉस्ट ऑल्सो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन एज यू नो दैट एच वाई वी सीड्स रिक्वायर मोर वाटर तो इससे क्या होगा ज़्यादा से ज़्यादा पानी यूज होगा तो ग्राउंड वाटर टेबल भी डाउन चला जाएगा सो दीज आर द फ्यू ड्रॉबैक्स ऑफ एच वाई वी सीड्स नो डाउट इट हैज़ पॉजिटिव इम्पेक्ट्स एज वेल सो दिस वॉज द टॉपिक आई होप यू आर क्लियर विद सो थैंक यू सो मच इफ यू डू हैव एनी डाउट यू कैन आस्क मी थैंक यू